क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। क्रिकेट फैंस का लंबा इंतजार आज खत्म हो रहा है क्योंकि आज शाम 2020 का भारत का पहला मैच खेला जाएगा। श्रीलंका के साथ मुकाबला गुवाहाटी के मैदान में होगा और शाम 7 बजे मैच शुरू होगा, लेकिन इससे पहले ही कप्तान विराट कोहली ने टीम का ऐलान कर दिया है। आज के मैच में कैसी है प्लेइंग 11 उसकी फाइनल न्यूज हम आपको दे रहे हैं और टीम में हो गए हैं बड़े बदलाव। यही नहीं, एक नहीं बल्कि दो दो बुमराह को विराट कोहली ने टीम में शामिल कर लिया है। तो देखिए आज की टीम और आप भी टीम को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें। आज शाम होने वाले इस मैच के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। टीम इंडिया खूब पसीना बहा रही है। अब आज के मैच के लिए जो टीम फाइनल हुई है वो बेहद खतरनाक और धाकड़ है। ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो केएल राहुल और शिखर धवन की जोड़ी ओपन करेगी। लंबे समय बाद भारत को लेफ्ट हैंड राइट हैंड ओपनिंग जोड़ी का कॉम्बिनेशन मिलेगा और धवन के लिए सीरीज बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि उनकी जगह लेने के लिए राहुल पूरी तरह से तैयार हैं। तीसरे नंबर पर कप्तान विराट कोहली खेलने आएंगे और अब तो विराट भी T20 मैचों में ताबड़तोड़ खेल दिखा रहे हैं। वहीं चौथे नंबर पर भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर खेलने आएंगे तो पांचवें नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को रखा गया है। 5 विशुद्ध बल्लेबाजों के बाद टीम में 3 ऑलराउंडर्स को भी रखा गया है, जिसके बाद बल्लेबाजी क्रम 8वें नंबर तक हो गया है, जबकि गेंदबाजी ऑप्शन भी बढ़ गए हैं। 6वें नंबर पर शिवम दुबे खेलने आएंगे जो तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, तो 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा और 8वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर खेलने आएंगे। जडेजा और सुंदर दोनों ही गेंदबाजी और बल्लेबाजी के माहिर धुरंधर हैं। इसके बाद टीम में 3 और गेंदबाजों को रखा गया है। स्पिन डिपार्टमेंट में युजवेंद्र चहल को मौका दिया गया है जो टीम के तीसरे स्पिनर होंगे, तो वहीं तेज गेंदबाजी में लंबे समय बाद जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है। मगर यहाँ बड़ी बात यह है कि एक नहीं बल्कि दो दो बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, बुमराह के साथ उनकी ही जैसी यॉर्कर डालने वाले नवदीप सैनी को भी टीम में रखा गया है। तो कुल मिलाकर शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव को फिलहाल इंतजार ही करना होगा। तो आज के मैच की टीम बेहद धाकड़ नजर आ रही है और इस टीम में हार्दिक पांडे और रोहित शर्मा को मिला दिया जाए तो वर्ल्ड कप के लिए भी ये टीम तैयार है। तो आज के मैच के लिए कैसी है टीम आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें।